ढाबे वाला पालक पनीर पसंद तो हम सभी को आता है, पर अक्सर जब हम उसे घर पर बनाते हैं तो उसमें ढाबे जैसा फ्लेवर नहीं आता। ऐसे में क्या जुगाड़ लगाया जाए कि पालक पनीर में ढाबे वाला देसी स्वाद आए? चलिए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू इंडिया का तड़का। आज हम आए हैं इंडियन हाउस वाइफ एकता जी के घर, जिनका खुद का टिफिन सर्विस है मैजिक टिफिन सर्विस के नाम से। तो ये हमें पालक पनीर बनाना सिखाएगी, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करें। हम आज हम पालक पनीर बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम पहले थोड़ा सा तेल डालेंगे। इसको हम पहले थोड़ा गर्म होने देंगे। तो ये गैस रख दी है मीडियम आंच पे। इसमें हम डालेंगे प्याज, कटी हुई प्याज। ये लगभग आपने कितनी प्याज डाली होगी इसमें? ये है एक मीडियम प्याज पूरी। इसमें एक मीडियम प्याज हमने फ्राई करने के लिए रख दी है। इसको हम थोड़ा ब्राउन होने देंगे। जब तक ये नहीं होती तब तक हम इसको स्टर करेंगे। इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो रहा है थोड़ा। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ अदरक लहसुन, और इसमें मिर्ची भी कटी हुई है। तो ये आपने कितना अदरक और लहसुन डाला है इसमें? अराउंड क्वार्टर, 1 टीस्पून अदरक, 1 टीस्पून लहसुन, और 2 मिर्ची, हरी मिर्च। इसको थोड़ी देर हम पकने देंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, एकता जी और उनके हस्बैंड के टिफ़िन सर्विस है मैजिक टिफ़िन सर्विस के नाम से, और मैंने तो बहुत बार ऑर्डर करा है। इनके टिफ़िन बहुत ही टेस्टी होते हैं, और जो ये आज रेसिपी बता रही है पालक पनीर, ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। अब हम इसमें डालेंगे 2 कटे हुए टमाटर, मीडियम साइज़, ज़्यादा बड़े नहीं, मीडियम। इसको हम हिलाते रहेंगे ताकि ये जले ना। अब हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर पाउडर 1 से 1.5 चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, आधा से 1 चम्मच हल्दी, और 1 चम्मच क्यूमिन जीरा पाउडर। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। मेन जो इसमें है वो भूनने का ही होता है। तो भी जब तक ये भून रहा है तब तक आपके चिकन सर्विस के बारे में और जान लेते हैं। आपके मेन्यू में और क्या क्या रहता है? मेन्यू में हम 8 सेक्शन थाली देते हैं, जिसमें एक दाल होगी, एक चावल होगा, 3 रोटी होती है, और सब्जी में जैसे हो गया आपका आलू मेथी की सब्जी, पनीर मटर पनीर की सब्जी, जितने भी इंडियन डिशेज है वो सारी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो लगभग इसका प्राइस क्या रहता है? प्राइस है इसका 80 रुपीज़ पर थाली। आप देख सकते हैं ये भुन रहा है, पेस्ट बन रहा है। अब इसको हम और भूनेंगे। जब इसका तेल ऊपर आ जाएगा दैट मीन्स आप देख सक रहे हैं बंद हो रहा है पेस्ट की तरह, दैट मीन्स ये भुन रहा है अभी। तो ये आपकी जो टिफिन सर्विस है, आप किस किस एरियाज में डिलीवर करते हैं? ये हम क्रॉसिंग रिपब्लिक में, नोएडा एक्सटेंशन में, गौर सिटी के अराउंड। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब नमक। थोड़ी देर उसको और भूनेंगे, और फिर ये ऑलमोस्ट रेडी है। हमारी सब्ज़ी पूरी तरीके से भुन गई है। अब हम इसमें डालेंगे पालक, जो हमने पहले ही बॉईल करके इसको हमने पेस्ट बना लिया है। ओके, ये एक ये डाल दी पालक। पहले ही बॉईल करके पेस्ट बना लिया था। तो आप लोग भी जल्दी से पालक पनीर बनाने के लिए पहले से पेस्ट बना के रेडी रख सकते हैं। इसको थोड़ी देर बॉईल होने देंगे। हमने पनीर रखा हुआ है, इसको हम काटेंगे जब तक ये हो रहा है, मीडियम साइज में, या आप जैसे भी चाहें। तो ये लगभग कितना पनीर होगा? ये है 500 ग्राम्स पनीर। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम पड़ जाएगा तो आप और भी डाल सकते हैं। ये अब हमने इसमें इसको हम डाल देंगे, गैस को धीमे कर देंगे। गैस धीरे कर दी है। बहुत ही सिंपल मसाले हैं, इसको हम थोड़ा हिलाएंगे, और इसको अब हम ढक देंगे जब तक ये थोड़ा सा इसका पानी कम ना हो जाए। अब ये हो गया है, इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए मैंने सिम पे छोड़ दिया था। अब इसका पानी थोड़ा कम हो गया है, बाकी वो आपके ऊपर है कि आपको कितना ग्रेवी इसका चाहिए। मैंने इसको थोड़ा सूखा कर दिया है, और ये हमारी पालक पनीर अब बन चुकी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना अच्छा रंग आ रहा है पालक पनीर का। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है, और ये लगभग 20 मिनट में पक के तैयार हो गया है।
इसको अब हम ऑफ़ कर देंगे। ये हमारा पालक पनीर बन गया है, ये लीजिए। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। काफ़ी यम्मी है ये। पिता जी की तरह आप भी पालक पनीर बनाइए, आपके किचन में भी बिल्कुल ऐसी ही पनीर की रेसिपी बनेगी। तो चलिए अब हम एकता जी के टिफिन सर्विस के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। तो एकता जी, कैसे आप प्रोवाइड करते हो, क्या है सर्विसेज आपकी? हम प्रोवाइड करते हैं 8 सेक्शन थाली, जिसमें हम राइस देते हैं और दाल देते हैं, सब्जी देते हैं, देन हम उसमें स्वीट्स भी देते हैं, घर की बनी हुई गाजर का हलवा हो गया, खीर हो गई, सेविया हो गई। थाली का रेट है 80 रुपीज़ पर थाली, जिसमें हम लंच और डिनर प्रोवाइड करते हैं। 1-3 जो है वो लंच का टाइम है और 8-10 जो है वो डिनर का टाइम है डिलीवरी। अगर ऑडियंस आप तक रीच करना चाहे तो आपको कैसे कांटेक्ट करेंगे? ऑडियंस हमें रीच कर सकती है इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, हमारा नंबर वहाँ पे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप भी जल्दी से नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से एकता जी के मैजिक टिफिन सर्विस से ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही यम्मी खाना होता है, जैसा कि मैंने आपको टेस्ट करके बताया ही। और अब हम एकता जी से भिंडी बनाना सीखेंगे अगली वीडियो में। और अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए ताकि आप अगली वीडियो मिस ना कर पाए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।